कांग्रेस चाहती है कि चुनावों से पहले जनता बीजेपी और ईडी की क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए, गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा, कल राजस्थान की महिलाओं को दो गारंटियां दी तो आज ईडी को भेज दिया, अभी तो 5 गारंटी और देने जा रहे हैं, कहीं परसों तक ईडी वालों की संख्या कम ना पड़ जाए। मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो हारने वाली है, इसलिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है और सुरक्षा एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेसियों के घर पर छापा पड़वा रही है। ये अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सारे कांग्रेस वालों का कहना है। और इसमें लपेटे में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम भी आ गया है। और तो और, गहलोत ने आतंक शब्द का भी इस्तेमाल किया ईडी के लिए। उन्होंने कहा कि ईडी इन सब से आतंक मचा रही है। देखिए, मेरे हिसाब से ये आतंक वर्ड बहुत स्ट्रांग है और देश की सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ आपको ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी आपकी विरोधी है, आपने उनको टिड्डी दल कहा, आपने उन पर बहुत आरोप लगाया, वो ठीक है, लेकिन आतंक शब्द का इस्तेमाल करना सुरक्षा एजेंसी के लिहाज से खराब है। अब मैं आपको बता देती हूँ रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि आखिर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर क्या आरोप लगे हैं, क्यों ईडी ने समन भेजा है और दूसरे कांग्रेसियों पर क्या आरोप लगे हैं। तो सबसे पहला है कि गहलोत के बेटे पर क्या आरोप लगे हैं, दूसरा है कि कांग्रेस नेताओं पर क्या आरोप है और क्यों चुनावों से पहले ही ईडी पहुंच गई है राजस्थान, ईडी की जांच पर सवाल क्यों, सारे कांग्रेस वाले ईडी की टाइमिंग पर, ईडी के इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं, चौथा है कि बीजेपी का क्या पलटवार आया है इस पूरे मामले में, और पांचवा है कि आखिर पेपर लीक में क्यों सबसे आगे राजस्थान, क्योंकि ईडी ने दो तरीके के आरोप लगाए हैं, एक तो पेपर लीक में भ्रष्टाचार के मामले में और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहला है कि आखिर गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर क्या आरोप लगाए हैं और किस मामले में ईडी ने उनको समन भेजा है। एक छोटी सी कहानी के तौर पर आप पूरा मामला समझ लीजिए। तो ये हैं गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जो अभी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ईडी ने वैभव गहलोत पर फेमा से रिलेटेड समन भेजा है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो कहानी ये है कि मुंबई की दो कंपनियां हैं, एक ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। इनके डायरेक्टर्स हैं शिव शंकर शर्मा और रतनकांत शर्मा। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने इलीगल तौर से मॉरिशियस की कंपनी से पैसे उठाए। इसी साल सितंबर महीने में छापे के दौरान एजेंसी को 1.27 करोड़ रुपए की नकदी, डिजिटल सबूत, हार्ड डिस्क और मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे ट्राइटन ग्रुप के खिलाफ। अब जो ये ट्राइटन के डायरेक्टर हैं, जिन पर घोटाले के आरोप हैं, रतनकांत शर्मा, कहा जाता है कि ये वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर हैं। और बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती है कि अशोक गहलोत इन सब कारोबारियों से ही ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, यानी भ्रष्टाचार होता है और इसलिए ही सत्ता विरोधी लहर है राजस्थान में। ये भी कहा जाता है कि वैभव गहलोत का रतन शर्मा के साथ टैक्सी का कारोबार था, जिसके बाद वे अलग हो गए। वैभव गहलोत को 10 से 12 साल पुराने मामले में ईडी ने समन दिया है। मार्च 2022 में भी वैभव गहलोत के साथ 14 लोगों पर महाराष्ट्र में धोखाधड़ी का आरोप लगा। आरोप था कि ई टॉयलेट बनाने के टेंडर देने का झांसा देकर एक कंपनी के साथ 6 करोड़ से ज्यादा रुपए हड़प लिए गए। हालांकि अभी तक ईडी ने खुले तौर पर ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं। वैभव गहलोत की बात करूं तो एक परिवारवाद का एग्जाम्पल दिखता है, जैसे बीजेपी में अमित शाह और बेटे जय शाह के मामले में दिखता है। अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव को 2019 लोकसभा चुनाव लड़वाया, पर वैभव 2 लाख वोटों से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए, जबकि गहलोत ने सबसे सेफ सीट यानी अपनी ही सीट जोधपुर बेटे को दी थी, पर कुछ नहीं हो पाया। चुनाव में हार के बाद फिर 2019 में हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में वैभव गहलोत को खड़ा किया गया और कांग्रेस के सीपी जोशी की मदद से वैभव आरसीए के अध्यक्ष बन गए। अब दूसरा है कि आखिर कांग्रेस नेताओं पर क्या आरोप लग रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव सर पर है और बीजेपी के आदेश पर ईडी पहुंच गई है कांग्रेसियों की जांच करने, उनको डराने, उनको धमकाने। अभी 3 जने लपेटे में आए हैं। सबसे पहले तो अशोक गहलोत के बेटे, अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे वैभव गहलोत, और दूसरा है गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं,
और तीसरा है कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुंडला। पेपर लीक मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री और विधायकों के शामिल होने के आरोप लगाए थे, क्योंकि डोटासरा नवंबर 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे थे। पेपर लीक मामले में ईडी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा सहित कई लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है। पेपर लीक से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था, इसके बाद ईडी ने केस हाथ में लेकर कार्रवाई की। जुलाई 2022 में विधायक ओम प्रकाश हुड़ला के भाई हरिओम मीणा का पेपर लीक मामले में नाम सामने आया। ओम प्रकाश हुड़ला के छोटे भाई हरिराम मीणा और डमी कैंडिडेट को जयपुर के शिवदासपुरा में एक एग्जाम सेंटर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। विधायक के भाई ने पैसे लेकर एसएससी एमटीएस की परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाया था। आरोपी हरिओम मीणा फिलहाल जमानत पर चल रहा है। कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुड़ला पहले बीजेपी में थे और वसुंधरा के करीबी थे, पर किरोड़ी लाल मीणा से 36 का आंकड़ा था और जब वसुंधरा ने ओम प्रकाश का टिकट काटकर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे को टिकट दिया तो ओम प्रकाश ने बीजेपी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़कर ओम प्रकाश जीत गए और फिर गहलोत के करीबी हो गए और इस बार भी उन्हें कांग्रेस ने दौसा जिले की महवा से टिकट दिया है, जिसका कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के करीबी दिनेश खोड़निया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के घर पर डूंगरपुर में छापे मारे थे। अब तीसरा है कि आखिर ईडी की टाइमिंग, ईडी के इंटेंशन और इसकी जांच पर जो अभी राजस्थान में छापे पड़ रहे हैं, इस पर क्यों कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये देखिए गहलोत का क्या कहना है। गहलोत ने कहा कि यूपीए राज में 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 108 सर्च की। ये सर्च सही शिकायतों के आधार पर हुई थी और उस वक्त 108 में से 104 के खिलाफ चालान पेश किए गए, जबकि इससे बिल्कुल उलट एनडीए सरकार में हुआ, जहां 9 साल के कार्यकाल में 3010 छापे डाले गए। इसमें से केवल 881 मामलों में चार्जशीट पेश की गई, जो केवल 39% है। यूपीए सरकार में 93% चालान होते थे। गहलोत ने कहा कि कोई बीजेपी में जाता है तो वह दूध का धुला हो जाता है। अजीत पवार के बारे में पीएम ने न जाने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, पर वे महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए और उन्हें डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बनाया गया। जिनके ऊपर आरोप थे उनको आपने वित्त मंत्री बना दिया, बताओ। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि भाजपा को अपने कमल के निशान में ईडी और इनकम टैक्स को भी शामिल कर लेना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी का प्रचार करने के लिए अब ईडी आ गई है। क्या ईडी मध्य प्रदेश और हरियाणा में नहीं जा सकती है? वहां पर उनके नेताओं पर आरोप है। केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं? अब चौथा है कि ये तो आरोप लगा ही रही है कांग्रेस, और ये अब से नहीं, बहुत पहले से लगा रही है, लेकिन इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया और उन्होंने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें सारे आरोपों और सवालों का जवाब दिया है। गहलोत के आरोपों पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गहलोत अपनी खोखली गारंटी से इन छापों को जोड़ रहे हैं। गहलोत जी, ये बताएं कि यदि पेपर लीक में डोटासरा की भूमिका मिलती है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं? गहलोत ईडी के दुरुपयोग को लेकर झूठे आरोप मढ़ते हैं। राजस्थान में गृह विभाग गहलोत के पास है, उन्होंने पेपर लीक में जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने से रोका है। ईडी की पिछले 9 सालों से 93% कन्विक्शन रेट है। अगर बीजेपी ने सच में ईडी का इस्तेमाल करके ये सब करवाया होता तो कोर्ट को आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष क्यों न्यायपालिका पर अपने फायदे के लिए सवाल उठाता है, ये गलत है। पांचवा है कि आखिर पेपर लीक मामले में क्यों सबसे आगे है राजस्थान, क्यों इतने बच्चों का भविष्य वहां बर्बाद हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर लीक। तो आप समझ लीजिए कि अभी तक कितने मामले आए हैं और कैसे ये पूरा गिरोह काम करता है। राजस्थान में पिछले 10 सालों में 26 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, कई बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। पेपर लीक के पीछे कई बड़े गिरोह का हाथ होता है, जिन्हें परीक्षा माफिया कहा जाता है। पेपर लीक के दो तरीके होते हैं, या तो किसी अधिकारी को सेट कर लो या फिर पेपर की चोरी कर लो। ऐसे ही अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के चलते मासूम लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। अब देखिए, आखिर में यही सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में चुनाव, विधानसभा चुनाव सर पर है,
200 विधानसभा सीटें हैं और अभी कुछ वक्त पहले ही ये ईडी की जांच वहां पर हो रही है। विपक्ष एकदम हमलावर है बीजेपी पर और बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। तो क्या अब राजस्थान चुनाव इस मुद्दे पर पलट सकता है? और देखिए, कुछ सालों का ट्रेंड ये भी कहता है कि जो राजस्थानी लोग हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, वो आखिरी के कुछ दिनों में डिसाइड करते हैं, मेनली जो स्विंग वोटर्स होते हैं, कि आखिर किसको वोट देना है। और अगर सत्ता विरोधी लहर है और अगर गहलोत के खिलाफ एक माहौल बन जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा इससे बीजेपी को फायदा होगा? खैर, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज 24 देखते रहिए, मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।